जो बच्चे बहुत छोटे हैं या कीड़ा उनका बहुत नस के नज़दीक है, डेंटिस्ट नहीं चाहता कि मैं पूरा उसको ड्रिल करूं, तो वो उस दवाई से उस कैविटी को रोकने की कोशिश करता है, जो बचा हुआ गड्ढा होता है उसको GIC से फिल कर देता है। नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीपेश प्रजापति, सिर्फ बच्चों का डेंटिस्ट, जयपुर राजस्थान से। मैं यहां पे 2013 से सिर्फ बच्चों की डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहा हूं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह के मसाले, किस तरह के फिलिंग मटेरियल बच्चों में यूज़ करे जाते हैं। आप अगर अपने बच्चों के डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो बहुत बोल सकता है इतने दांतों में कैविटी है और अपन को उसमें फिलिंग करनी है। ये फिलिंग के मटेरियल्स अमूमन सिर्फ दो तरह के होते हैं। पहला होता है GIC, जिसको ग्लास आइनोमर सीमेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है कॉम्पोजिट। मैं दोनों के नफ़ा नुकसान इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि आपके बच्चे के लिए अच्छा फिलिंग मटेरियल कौन सा है। मेरा फेवरेट GIC है, जिसको ग्लास आइनोमर सीमेंट बोलते हैं। ये एक पाउडर लिक्विड का मिक्सचर होता है, जिसको मिक्स किया जाता है या फिर मशीन में मिक्स होकर आता है और फिर दांत में डाला जाता है। इसकी खूबसूरती है कि ये बहुत ज़्यादा दांत की तरह होता है, दिखता दांत की तरह है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हार्डनेस, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ दांत की तरह होती है। और एक बढ़िया फ़ायदा इसका ये है कि आपको दांत को एकदम ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो एकदम अच्छे से कॉपरेट नहीं करते हैं, एकदम दांत को ड्राई नहीं करने देते हैं, दो तीन स्टेप में आप फिलिंग नहीं कर सकते, आपको एक स्टेप में करना होता है, उनके लिए GIC बहुत अच्छा मटेरियल है। GIC का एक फ़ायदा और है कि ये फ्लोराइड रिलीज़ करता है। फ्लोराइड एक ऐसा रिसर्च से प्रूवन एलिमेंट है जो कैविटीज़ नहीं होने देता है दांतों में। तो GIC का काम होता है, आपने टूथपेस्ट किया, आपने माउथ वॉश किया, उसमें फ्लोराइड होता है, वो उसमें से फ्लोराइड सोख लेगा और फिर धीरे धीरे रिलीज़ करता रहेगा, ताकि जहाँ पर फिलिंग हुई है उसके आसपास के दांतों में और उस मुँह में कैविटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा कॉमनली यूज मटेरियल है कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट एक बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर मटेरियल है। अच्छे से किया जाए तो पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फिलिंग वाला दांत है और कौन सा कॉम्पोजिट से फिल किया हुआ दांत है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें दो तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दांत को एकदम ड्राई रखना होता है। किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो जाए तो कॉम्पोजिट दांत से अच्छे से चिपकता नहीं है। तो बहुत छोटे बच्चे जो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, उनमें कॉम्पोजिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉम्पोजिट वो मटेरियल है जिसमें एक पर्टिकुलर फिलिंग मटेरियल पे एक लाइट लगाता है पर्टिकुलर वेवलेंथ की, और उससे वो फटाफट सेट हो जाता है। ऐसी फटाफट सेट होने वाली GICs भी आती हैं, जिसको RM GIC बोला जाता है, तो वो भी फटाफट सेट हो सकती है। GIC का प्रॉब्लम यह है कि वो दांत में डालने के बाद आपको 2-3 मिनट तक वेट करना पड़ता है कि तब तक वो हार्ड हो जाए। कॉम्पोजिट का फ़ायदा यह है कि वो तुरंत आप उसको लाइट लगा के सुखा सकते हैं, 2-3 मिनट की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए एक मटेरियल है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रेजिन मॉडिफाइड GIC। उसमें आपको 2-3 मिनट वेट नहीं करना है, लाइट लगाइए, है GIC पर उसमें कॉम्पोजिट के भी गुण हैं, तो वो तुरंत सेट हो जाता है। आजकल डेंटिस्ट बहुत कॉमनली GIC फिलिंग के नीचे एक दवाई लगाना भी चाहते हैं, जिसको बोला जाता है SDF, सिल्वर डायमिन फ्लोराइड। जो बच्चे बहुत छोटे हैं या कीड़ा उनका बहुत नस के नज़दीक है, डेंटिस्ट नहीं चाहता कि मैं पूरा उसको ड्रिल करूं, तो वो उस दवाई से उस कैविटी को रोकने की कोशिश करता है, जो बचा हुआ गड्ढा होता है उसको GIC से फिल कर देता है। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसे छोटे छोटे बच्चों में बिना दर्द के, बिना कम ड्रिलिंग के आप उसका मसाला भर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि वो SDF जो है सिल्वर होने, उसमें से सिल्वर प्रेसिपिटेट करता है, तो वो थोड़ा सा काला और ग्रे हो जाता है, तो एकदम आपको सुंदर फीलिंग नहीं दिखेगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद आप एक डिसीजन ले सकेंगे कि आपके बच्चे के लिए कौन सा फिलिंग मटेरियल सही है। मेरी प्रैक्टिस में अगर आपके डेंटिस्ट ने भी आपको GIC मटेरियल सजेस्ट किया है, तो मेरे हिसाब से GIC एक छोटे बच्चे के लिए, या एक छोटे बच्चे में नए यंग परमानेंट टूथ के लिए भी एक बहुत अच्छा मटेरियल है। इसका नुकसान यह है कि विथ टाइम थूक के साथ घुल के थोड़ा डिजॉल्व होने लग जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि जब बहुत सालों तक, दशकों तक की बात करें, तो GIC उसमें नहीं टिक पाता है। पर क्योंकि बच्चों का काम है, ज़्यादातर फीलिंग्स जो हैं वो दूध के दांत में होती है, इससे पहले कि GIC घुलने लगे, दूध के दांत के झड़ने का समय आ जाता है। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो कलरफुल होते हैं, पिंक कलर, ब्लू कलर के, वो भी खूब डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, उनको कॉम्पोमर्स बोला जाता है, कलर कॉम्पोजिट। पर मेनली दो ही फिलिंग मटेरियल्स हैं, GIC और कॉम्पोजिट, जो मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। अगर या इसके रिलेटेड या और भी कोई बच्चों के दांतों के डेंटिस्ट्री के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, तो ऊपर दिए हुए ईमेल आईडी में या नीचे दिए कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।